टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। पोरबंदर थी समाचार के ज्यां देश नो दुश्मन झड़पायो छे, जासूस पंकज कोटिया ने एटीएसए दबोची लीधो। कोस्टगार्ड नी माहिती शेर करतो हतो, 8 महीना थी पाकिस्तानी हैंडलर साथे संपर्क में हतो, पाकिस्तानी छोकरी साथे व्हाट्सएप अने इंस्टाग्राम में बातचीत करतो हतो, व्हाट्सएप में वॉइस कॉल थी बात पण करी। पंकज ने पाकिस्तानी युवतीए पोताने नेवी नी एजेंट बतावती हती, पाकिस्तानी युवती साथे फेसबुक ना माध्यम थी संपर्क थयो हतो। आरोपी कोस्टगार्ड ना शिप नी मूवमेंट अने नाम शेर करतो हतो। कुल 26,000 रुपया अलग अलग यूपीआई थी आव्या छे। पंकज ना बैंक अकाउंट में 11 वक्त आवेला छे रुपया। आरोपी पंकज छेल्ला एक वर्ष थी पोरबंदर जेटी पर कोस्टगार्ड नी शिप पर वेल्डिंग तथा अन्य परचूरण मजूरी काम माटे हेल्पर तरीके काम करवा जतो होवानु पण जाणवा मळ्युं छे। फाइल सीज किया गया था जिसके अंदर से हमको एफएसएल को भेजा गया था, जिसके अंदर से हमको ये पता चला कि उसके जो मोबाइल है उसके माध्यम से रिया करके एक पाकिस्तानी लड़की के, रिया उनके नाम बताया गया था जो उनके कॉन्वर्जेशन में था, पाकिस्तान के रहने वाली है, क्योंकि उनके आईपी जब रिजॉल्व किया जहाँ से इन दोनों का व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जब बात किया था उसमें ये पता चला कि वो जो आईपी है वो पाकिस्तान, जो कोस्ट में जो कोस्ट गार्ड के जो शिप्स वहाँ खड़े थे, वहाँ मूवमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन जो अगर पाकिस्तान को मिलती है तो सेंसिटिव हो जाता है, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करता था। इसके अलावा लास्ट 8 महीने में इसका लगभग 2-3 दिन में एक बार बातचीत चलती थी, और उसके अलावा 11 बार अलग अलग बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में 26,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया। इस हिसाब से हमको पता चलता है कि ये वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस बनता है। उस हिसाब से हमने सेक्शन 61 एंड सेक्शन 148 बीएनएस के हिसाब से हमने एक केस दाखिल किया।